हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने IQ Z6 Pro एंड्रॉइड मोबाइल फ़ोन में आपके स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम आती है उसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपका मोबाइल फ़ोन का स्टोरेज जो है वो भर जाता है और आपके पास एक नोटिफिकेशन आता है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट, ठीक है, तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे आज की इस वीडियो में मैं आपको डिटेल में जानकारी देने वाला हूँ। तो चलिए आप वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, हमारे मोबाइल फ़ोन का इंटरनल स्टोरेज जो होता है ना वो फुल हो जाता है, तब जाके हमारे पास इस तरीके का कोई नोटिफिकेशन आता है स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट। तो आपको करना क्या है कि आपको अपने मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज को आपको है ना थोड़ा खाली कर देना है, कुछ ऐसी चीजों को डिलीट कर देना है, ठीक है, जिससे आपकी ये प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व हो जाएगी। कैसे करेंगे आप डिलीट? देखिए, आप अपने मोबाइल फोन की गैलरी ओपन कर सकते हैं, इसमें से आप जो अपनी फोटो वीडियो जो फालतू की है उन्हें आप जो है डिलीट कर दीजिए, ठीक है ना। और यहां पर दोस्तों आप ये गूगल फाइल का ऐप देख रहे हैं, इसे आप ओपन करेंगे ना तो इसमें आपको सबसे नीचे ये क्लीन का ऑप्शन दिखता है, क्लीन पे टैप करेंगे तो ये वाला पेज आएगा। यहां पर आप देख सकते हैं मेरा 128 GB इसके अंदर ये हैगा, ठीक है, इसके अंदर मेरा इंटरनल स्टोरेज जो है 128 GB है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा 16 GB तक यहाँ पर मेरा यूज हो चुका है। तो अगर आपकी लाइन अगर फुल होती है ना तो आपको नीचे की साइड से यहाँ से क्लीन अप, काफ़ी सारी लॉन्ग फाइलें होती हैं वो आप यहाँ से डिलीट कर दीजिए जो आपके काम की नहीं है, तो आपका स्टोरेज जो है वो खाली रहेगा और आपका स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की प्रॉब्लम जो है वो नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन में काफ़ी सारे ऐसे ऐप्स होते हैं जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पर रन करते रहते हैं, जिससे भी आपके मोबाइल फोन का स्टोरेज जो है ना वो फुल होने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। तो जो बैकग्राउंड पेज पर आपके ऐप्स रन करते हैं उन सभी ऐप्स को आपको स्टॉप करना है। कैसे करना है? देखिए, आपको मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करेंगे ना तो इसमें आपको नीचे आना है, यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा ऐप्स का, ऐप्स पे सिलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये नीचे की साइड ऑप्शन मिलता है स्पेशल ऐप एक्सेस का, इसे सिलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको है ना ये ऑप्शन मिल जाता है बैकग्राउंड पावर कंजम्पशन मैनेजमेंट, ठीक है, इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, ठीक है, इस पेज में आपको वो ऐप्स आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते रहते हैं। यहाँ पर आपके मोबाइल फोन के सारे ऐप्स दिखाई नहीं देंगे, सिर्फ वही ऐप्स आपको दिखाई देंगे जो आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन करते रहते हैं, या आपके मोबाइल फोन की बैटरी और आपके मोबाइल फोन का डाटा और भी बहुत सी चीजें कंज्यूम करते रहते हैं, जिससे आपके मोबाइल फोन का इंटरनल स्टोरेज जो है फुल होने के चांस बढ़ जाते हैं। तो इन सभी ऐप्स को आपको एक एक करके स्टॉप करना है। कैसे करेंगे? देखिए, आपको कोई भी एक ऐप जो है सिलेक्ट करना है, तो आपका यह पेज ओपन होगा, इसमें आप नीचे की साइड ऑप्शन देख रहे हैं ना रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड पावर यूजेस का, रिस्ट्रिक्ट बैकग्राउंड के सामने वाले सर्कल पर आपको टिक मार्क लगाना है, ठीक है, ब्लू टिक मार्क लग जाएगा तो इससे आपका ये ऐप जो है स्टॉप हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन के बैकग्राउंड पेज पे रन नहीं करेगा, जिसके कारण ये आपके मोबाइल फोन की बैटरी, मोबाइल फोन का डेटा और भी बहुत सी चीजें कंज्यूम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहां पर आपको सभी ऐप्स को भी एक एक करके स्टॉप कर देना है, ठीक है ना। अब दोस्तों यहां पर जो है आपको अगला प्रोसेस करना क्या है कि आपके मोबाइल फोन को जो है ना रीसेट कर देना है, ठीक है। रीसेट करने का एक लास्ट प्रोसेस होता है, लास्ट ऑप्शन होता है, अगर आपका ये जो प्रॉब्लम जो है फिर भी आ रही है दोनों प्रोसेस करने के बाद, तो रीसेट करने का एक लास्ट ऑप्शन होता है, ठीक है ना। इससे आपको करना क्या है कि यहाँ पर आपको अपने मोबाइल फोन का सेटिंग पेज ओपन करना है। सेटिंग पेज में सबसे नीचे आपको ये ऑप्शन मिलता है सिस्टम का, इसे सेलेक्ट करना है। अब इसके अंदर आपको जो है ना नीचे की साइड ये ऑप्शन मिलता है रीसेट ऑप्शन, इसे सेलेक्ट करना है, ठीक है। अब इसके अंदर आपको ये ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा फैक्ट्री रीसेट का, इसे सेलेक्ट करना है। अब यहाँ पर एक पेज ओपन होगा, इसमें आपको नीचे ऑप्शन मिलता है इरेज ऑल डेटा का, इसे सेलेक्ट करेंगे तो आपका फोन रीसेट हो जाएगा और आपके मोबाइल फोन का इंटरनल स्टोरेज जो है वो खाली हो जाएगा। ध्यान रखिए दोस्तों, यहां पर जो है ना आपको इरेज ऑल डेटा पर सेलेक्ट करने से पहले ध्यान रखना है कि आपके मोबाइल फोन में जो भी डेटा है ना, जो काम का है, जैसे कि फोटो जो काम की है, वीडियो जो काम की है, आपका डॉक्यूमेंट जो काम का है, ठीक है, वो सभी के सभी आपको जो भी चीजें काम की वो आपको दूसरे मोबाइल फोन में ट्रांसफर कर लेनी है, नहीं तो वो भी साथ में डिलीट हो जाएगा आपके मोबाइल फोन से, ठीक है ना। इरेज ऑल डेटा पर आप सेलेक्ट करेंगे तो यहां पर जो आपको अपने मोबाइल फोन की जीमेल आईडी और उसका पासवर्ड भी लिख के रख लेना है, ताकि आप अपने फोन को दोबारा से लॉगिन कर सके, ठीक है, इन बातों का ध्यान रखना है। और दोस्तों यहां पर जो है लास्ट ऑप्शन बचता है ये प्रोसेस अपना ये करने का, रीसेट करने का, ठीक है ना। यहां पर दोस्तों मैं आपको कुछ और तरीके बताता हूं। देखिए दोस्तों, आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स है ना वो सभी के सभी आपको रीसेट करने हैं, यानी कि इन सभी ऐप का डेटा डिलीट करना है। कैसे? देखिए, आपको कोई भी ऐप जो है ना उंगली से दबा के रखना है, ठीक है, यहाँ पे उंगली से दबा के रखेंगे तो एक पेज ओपन होगा छोटा सा, इसमें ऐप इन्फो का ये ऑप्शन है, इसे सेलेक्ट करना है और यहाँ पर एक पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आपको स्टोरेज एंड कैच का ऑप्शन मिलेगा, इसे सेलेक्ट करना है। इसके अंदर आपको ये क्लियर कैच और ये क्लियर स्टोरेज के दो ऑप्शन मिलते हैं, पहले आपको क्लियर कैच पे सेलेक्ट करना है फिर क्लियर स्टोरेज पे। ये जो आपका नीचे ऑप्शन दे रखा है ना स्टोरेज यूजर डेटा और ये आपका कैच, ये सभी का सभी आपका जीरो हो जाएगा। ये देखिए, मैं कैच पे सेलेक्ट करता हूँ तो ये जीरो हो गया कैच, और यहाँ पे स्टोरेज पे सेलेक्ट करने से डिलीट करना है तो यूजर डेटा भी आपका जीरो हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप सभी ऐप्स के डेटा को आप जो डिलीट कर दीजिए, क्योंकि आपका जो डेटा होता है काफी लंबे समय से आप यूज करते रहते हैं किसी भी ऐप को, तो वो KB में, MB में, GB
GB तक में आपका जो डेटा है ना वो कंज्यूम कर जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर सभी ऐप्स के डेटा को डिलीट कर देना, और आपके मोबाइल फोन में जितने भी फालतू के ऐप्स है ना जिन्हें आप बिल्कुल भी यूज नहीं करते हैं, उन सभी को आपको अपने मोबाइल फोन से हटा देना है, यानी कि अनइंस्टॉल कर देना है। पहले उस ऐप का डेटा आपको क्लियर करना है, फिर उसको अनइंस्टॉल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पर दोस्तों आपके मोबाइल फोन में जितने भी ऐप्स होते हैं वो आपके इंटरनल स्टोरेज में स्टोर रहते हैं, ठीक है ना, मोबाइल फोन के इंटरनल स्टोरेज में। तो आपको करना क्या है, आपके मोबाइल फोन के जितने भी ऐप्स है ना, अगर आपने मेमोरी कार्ड लगा रखा है अपने मोबाइल फोन में, तो आपके मोबाइल फोन के जितने भी ऐप्स हैं वो आप अपने मेमोरी कार्ड में ट्रांसफर कर लीजिए, जिसके वजह से आपका जो इंटरनल स्टोरेज है वो खाली रहेगा और आपकी जो स्टोरेज स्पेस रनिंग आउट की जो प्रॉब्लम आती है वो नहीं आएगी, ठीक है। तो ये सारे प्रोसेस आप जो एक बार जो है जरूर करके देखिए, आपकी प्रॉब्लम जो है डेफिनेटली सॉल्व हो जाएगी।